मैं बिना ज्यादा रिस्क लिए रिटर्न्स कैसे कमा सकता हूँ? ये सवाल अगर आपके दिमाग में आया है तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आदित्य अय्यंगार आपका स्वागत करता हूँ मास्टर द मार्केट हमारी सीरीज बाय एंजल वन, जो यहाँ होती है हर संडे ये सारे कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट के टर्म्स सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक अच्छा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना करें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है वो सारे शेयर्स जो कम रिस्क में अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं। देखो, ये सवाल आप सबके दिमाग में आया होगा कि कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कैसे मिल सकता है। लेकिन देखिए, स्टॉक मार्केट का एक गोल्डन रूल होता है, जो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। जितने ज्यादा रिटर्न आप चाहते हो, उतना ही ज्यादा रिस्क आपको लेना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है मार्केट में जो कंपेरेटिवली कम रिस्क के साथ मॉडरेट टू हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे पांच ऐसे कंपनीज की जो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी के बावजूद अपने अपने सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रह चुके हैं और आगे भी स्टेबल परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। शुरू करते हैं ICICI बैंक के साथ। देखिए, करंटली बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस को लीड कर रहा है, इवन दो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। क्योंकि देखिए, टिपिकली बैंकिंग जो होता है ना, उसमें एक रिपल इफेक्ट होता है, यानी कि अगर दुनिया की बैंक्स अच्छा परफॉर्म करने लगी तो एज अ रिपल दुनिया की इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म करने लगती है। एंड इसका उल्टा भी होता है। जब 2008 में बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, तब पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक रिसेशन आया। ICICI बैंक इंडिया की सेकेंड सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इस बैंक का जो लोन बुक है वो 8.6 लाख करोड़ का है एज ऑफ फोर्थ क्वार्टर FY22, और ये जो लोन बुक है वो 10.6 लाख करोड़ के डिपॉजिट से कवर्ड है। बैंक की जो लोन बुक है वो भी काफी डाइवर्सिफाइड है। 53% जो लोन्स है वो रिटेल लोन्स है, 22% लोन्स कॉर्पोरेट लोन्स है, और SME लोन्स, रूरल लोन्स और बिजनेस बैंकिंग की जो सेगमेंट है वो 5, 6 और 9% पे आती है रिस्पेक्टिवली। रीसेंट टाइम्स में ICICI बैंक ने काफी स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड दिखाया। यहाँ पे इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो ग्रोस और नेट लेवल पे डिक्लाइन हुए। सिर्फ यही नहीं, लेकिन इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आने के एक्सपेक्टेशंस है। एंड गिवन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, ICICI बैंक का वैल्यूएशन अपने पीयर्स के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव है। दैट इज व्हाट मेक्स दिस अ स्टेबल परफॉर्मर फॉर द फ्यूचर। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट कंपनी, जो है मैरिको लिमिटेड, पैराशूट हेयर ऑयल का मैन्युफैक्चरर। FMCG में ये कंपनी एक काफी बड़ी प्लेयर है। इनका जो बिजनेस है वो हेयर ऑयल, फूड और पर्सनल केयर जैसे सेगमेंट से आता है। सिर्फ यही नहीं, लेकिन लिवॉन, सेटवेट, बियर्डो, नहार ऐसे इनके सब ब्रांड्स भी हैं जो काफी पॉपुलर है अपने अपने स्पेस में। मारिको के प्रोडक्ट्स की रिकॉल वैल्यू बहुत हाई है, विच मीन्स इनके प्रोडक्ट्स एक हाउस होल्ड नेम है। जैसे अगर कोकोनट ऑयल की बात आती है तो हम दुकान वाले को सिंपली पैराशूट हेयर ऑयल बोलते हैं। ये चीज हमें इनके प्रोडक्ट्स के रीच से देखने मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मैरिको के प्रोडक्ट्स की 5 मिलियन आउटलेट्स तक की रीच है। सिर्फ वही नहीं, लेकिन डायरेक्टली 1 मिलियन आउटलेट्स की। रिसेंटली पैराशूट का मार्केट शेयर 1.7% से ऊपर भी गया, बेस्ड ऑन विच कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उनके रेवेन्यूज 13-15% CAGR से ग्रो हो सकते हैं। इसके बेसिस पे हम नेट प्रॉफिट में 11% एनुअली ग्रोथ देख सकते हैं। अब आते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के तरफ। करंटली एडहेसिव्स और सीलेंट जो सेगमेंट है वहां पर ये मार्केट लीडर्स है, मेनली बिकॉज कंपनी इनोवेशन और मार्केटिंग पे सेंसिबल वेज में स्पेंड करती है। इनके जो रेवेन्यूज है उसका 80% एडहेसिव्स वाले धंधे से आते हैं और बाकी 20% इनका जो B2B बिजनेस है वहां से। पिडिलाइट की ब्रांड रिकॉल बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में एडहेसिव मतलब फेविकॉल, इसी की वजह से इनके 6,000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 6,00,000 से भी ज्यादा रिटेलर्स। और तो और, रीसेंट टाइम्स में नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में ऐड करने की वजह से पिडिलाइट के रेवेन्यूज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में अच्छा ग्रोथ दिख सकता है। कंपनी अपने एडहेसिव बिजनेस को 1-2 times ऑफ GDP के रेट पर ग्रो करने का एम रखती है। अब इसका सिर्फ ये मतलब होता है, अगर GDP 5% से ग्रो हो रहा है तो कंपनी उस बिजनेस में 5-10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल्स भी काफी स्ट्रांग है, गिविंग इट अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर द मीडियम टर्म। कमिंग अप इज आर सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन द IT इंडस्ट्री इन इंडिया, जो है इंफोसिस।
आप ये बात जानते ही होंगे कि इंफोसिस ने रीसेंट टाइम्स में काफी अच्छे ग्रोथ रेट्स पोस्ट किए एंड कंपनी का मार्केट शेयर भी ग्रो हुआ। दिस इज प्राइमरीली बिकॉज इंफोसिस डिजिटल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर रहा है। कमिंग ईयर्स में भी इंफोसिस का फोकस डिजिटल अपॉर्चुनिटीज ही रहने वाला है, इसी की वजह से आगे के ग्रोथ रेट्स भी हाई होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। FY22 में यानी के पिछले साल इंफोसिस ने $9.5 बिलियन की डील सिक्योर की, विच हैज बीन द हाईएस्ट येट फॉर द कंपनी। कंपनी के जो US डॉलर रेवेन्यूज हैं वो भी मैनेजमेंट 14-16% से ग्रो करने के एक्सपेक्टेशंस रखती है, गिविंग इट अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। अब फाइनली आते हैं एक और IT बिजनेस की तरफ जो है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL ADM एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे बिजनेसेस में ऑपरेट करता है। लाइक इंफोसिस, HCL की डील पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग थी इन FY22 एट $8.3 बिलियन। कंपनी अपना धंधा नए नए सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर रही है, क्लाउड माइग्रेशन बीइंग वन ऑफ द बिग वंस जिससे कंपनी बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकती है। और TCS जैसे फर्म्स को कंपेयर करने के बाद सिमिलर फाइनेंशियल्स रखने के बावजूद भी इस कंपनी का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, गिविंग अस अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द मीडियम टर्म। एंड एज अ बोनस, इस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड भी 4.5% है, विच इज कंसिडर्ड एज हाई। एनीवे, ये तो थे हमारे 5 स्टॉक्स जिसमें रिस्क रिलेटिवली कम है और रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा है। ऐसे और कौन से स्टॉक्स आपके दिमाग में आते हैं ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। And if you enjoyed learning with us, don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel ताकि आप आगे ऐसा valuable content देखते रह सके। और pinned comments में हमें बताइए कि आप अगले संडे कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए keep learning, keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.